हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम। तो आज से हमारा शुरू हो रहा है रमजान स्पेशल ब्लॉग्स। इसमें मैंने रेसिपी और अपनी तारीफ की क्लिप शेयर की है, तो देख लिए आप और मुझे बताइए कि मेरी वीडियो कैसी बनी है और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अपने सुझाव भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और मेरे फैमिली ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और आप लोगों को क्या क्या देखना पसंद है इसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। जैसे पर्सनल कमेंट कीजिए, लेकिन नेगेटिव कमेंट मत कीजिए क्योंकि मैं फीमेल हूँ और गर्भवती ब्लॉग बनाती हूँ। और मेरे चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिए, बहुत सारे वीडियो है, उनको भी ज़रूर देखिए। तो चलिए आगे का ब्लॉग शुरू करते हैं। रमजान स्पेशल ब्लॉग में बहुत सारी इफ्तारी होगी, बहुत सारी खाने की चीज़ें। हाँ, मैं और मेरे बच्चों के साथ मैं अपनी छोटी सी वीडियो बनाती हूँ और आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और इस बार रमजान में मेरे भाई भी रोजा रखने वाले। हाँ, तो हमारे घर का रमजान कैसा होता है? ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर तो छोटा मोटा जो भी हमसे तैयारी हो रही है, जो भी हम कर पा रहे हैं अल्लाह के फजल करम से, वो हम कर रहे हैं। आप लोगों की सपोर्ट रही तो और भी आगे अच्छा और बेहतर करेंगे। तो चलिए आगे की चीज़ दिखाती हूँ। लास्ट में आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। तो चलिए शुरू करती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, इतने पूरी और यहाँ पे समोसे तैयार कर लिए हैं मैंने इफ्तार के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। और आज मैंने शूट किया है एक रमज़ान का इफ्तारी ब्लॉग, तो मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। अरे ये समोसा भी लो और ये पाव भी, चटनी दोनों आगे रख लो। यहाँ पे मेरे पापड़ तैयार हो गए। यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिए, पहले जीरा डाल दिया था। मेरा दाल का तड़का तैयार हो रहा है और रात का खाने का। वैसे आप लोग क्या खाते हैं रात में, दाल चावल या कुछ और? मेरे घर में दिन में एक बार तो जरूर दाल चावल बनता है, रमजान है तो रात में तो फिक्स बनता ही है। किसी व किसी का पेट नहीं भरता। मेरे घर में सबको दाल चावल बहुत पसंद है। यहाँ पे मेरे प्याज लाल हो गए, देखिए। अब मैं इसमें अदरक और मिर्ची का कोटा हुआ
मिर्चा डाल दूंगी। ये देखिए मैंने डाल दिया है। यहाँ मैंने दाल भी बॉईल करके रखी हुई है, इसको थोड़ा पकने देती हूँ 2 मिनट। इसमें मैं थोड़ा मसाले ऐड करती हूँ, मिर्ची पाउडर है। गैस को थोड़ा स्लो करना पड़ेगा वरना मसाला जल जाएगा। और इसमें डालूंगी धनिया पाउडर और थोड़ा सा मटर मसाला, इससे दाल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हल्दी तो मैंने उबालने के टाइम डाल दी थी, इसलिए और हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं। तो ये देखिए मेरा तड़का तैयार हो गया है, मैं इसको दाल में ऐड करती हूँ। और मेरे आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे रोकती हूँ। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। चलिए अल्लाह हाफिज़, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।